दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 14 महीने बाद वापसी करते ही दिखा विराट का जादू। उनके बाद युवा खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को सीरीज का चैंपियन बनाया तो राशिद खान की तो आंखों से आंसू ही आ गए। उनके अलावा दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज रिकी पोंटिंग से लेकर शोएब अख्तर, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी से लेकर गौतम गंभीर तक ने भी अब टीम इंडिया को और कोहली की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम करेंगे। तो आखिर भारत की जीत पर क्या कुछ रहा दुनिया भर के दिग्गज और उनका रिएक्शन, उन सबके बयान जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और राशिद में कौन T20 का सबसे बड़ा दिग्गज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर पहले T20 में टीम इंडिया ने आसानी से जीत दर्ज की, जिसके बाद इंदौर के मैदान पर अफगानिस्तान के लिए मुकाबला करो या मरो का हो चुका था। उन्हें किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी, लेकिन इंदौर का मैदान भी नाम हुआ है तो केवल हिंदुस्तान के टॉस जीतकर पहले रोहित ने अफगानिस्तान को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो भारत के स्पिन आक्रमण के सामने अफगानी बल्लेबाज तो पूरी तरीके से बेबस नजर आए। केवल गुलबदन लाइफ 35 गेंद पर 57 रन बना पाए, जिसके दम पर अफगानिस्तान बड़ी मुश्किल से 172 रनों तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। लेकिन सितारों से सजी टीम इंडिया की बल्लेबाजी क्रम को इतने छोटे से स्कोर पर रोक पाना अफगानिस्तान के बस की बात कहां थी। हालांकि कप्तान रोहित का खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। ऐसा लगा था कि मैच रोमांचक होगा, लेकिन 14 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले किंग कोहली के इरादे तो कुछ और ही थे। जहां उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर आक्रामक रुख अपनाया, पल भर में अफगानिस्तान की जीत की उम्मीदों को हवा कर दिया तो देखते ही देखते भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से न केवल ये दूसरा T20 मैच जीता, बल्कि 3 मैचों की T20 सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर उन्होंने अफगानिस्तान को 440 वोल्ट का झटका भी दिया। उसके बाद तो एक बार फिर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का बोलबाला है, हर तरफ कोहली के नाम का डंका बज रहा है। तो वहीं राशिद खान की तो आंखों से आंसू ही फूट पड़े। राशिद खान अपनी टीम की हार के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उनकी तो आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि यदि मैं इस पिच पर खेल रहा होता तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता, हमारे खिलाड़ी मौके को भुना नहीं पाए जो सबसे जरूरी था। भारतीय टीम को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये हमने एक बार फिर देख लिया है। हमें ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से हारे हैं, मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। विराट ने एक बार फिर दिखाया कि आखिर क्यों वो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों, रिकी पोंटिंग तो टीम इंडिया से बेहद प्रभावित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है अफगानिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला ना हो, लेकिन ये मैच देखकर बहुत मजा आया। सच में ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान बहुत बड़ा पलटवार कर सकती है, लेकिन अंत में रिजल्ट वही हुआ। भारत को भारत में हराना आसान नहीं है, एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया। उनके जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी दुनिया में कहीं नहीं है, बस यही देखकर मुझे अभी भी भारत से जलन होती है। वेल डन टीम इंडिया, आप लोगों ने कमाल का खेल दिखाया। तो दोस्तों, वहीं गौतम गंभीर भी खुशी से झूम उठे। उनका कहना है कि साल 2024 की शुरुआत एक धमाकेदार जीत से हुई है, ये बहुत शुभ संकेत है। T20 वर्ल्ड कप बस कुछ ही समय दूर है, ऐसे में हर एक जीत हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जरूरी है। मैं हर एक युवा खिलाड़ी को बधाई देना चाहता हूं, खास तौर पर कोहली को। उन्होंने वापसी के साथ फिर दिखाया कि आखिर क्यों वो हमारी टीम की बैकबोन है। मैं उनके लिए बेहद खुश हूं। उन जैसा खिलाड़ी हमारी टीम में होना हमारे लिए खुशनसीबी जैसा है। मुझे पूरा भरोसा है हम अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप भी कर देंगे। युवा और अनुभव का ये तालमेल हमारे वर्ल्ड कप का बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होने वाला है। तो वहीं शोएब अख्तर के भी एक बार होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान से कुछ सीखना चाहिए। रोहित कोहली की वापसी से टीम इंडिया और भी मजबूत हो चुकी है। उन्होंने तो अफगानिस्तान को अपने सामने कुछ मिनट टिकने भी नहीं दिया। ये दिखाता है कि भारत का इस वक्त दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप भी करेंगे और T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। उनकी राह में स्पीड ब्रेकर वो खुद अपनी गलती से खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकल कर सामने आया है। उन्होंने कहा है, ये जीत सेलिब्रेट करनी तो बनती है क्योंकि ये नए साल की पहली सीरीज जीत है, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी की भूख तो T20 वर्ल्ड कप से ही भरेगी, ये बात मुझे पता है। हमें ऐसे ही लगातार जीत हासिल करनी होगी, तभी हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। हर एक मैच हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं रोहित कोहली और हर एक युवा खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस धमाकेदार जीत के लिए। दोस्तों, इंदौर के मैदान पर रोहित शर्मा की पलटन ने एक बार फिर इतिहास रचकर हर किसी को हैरान कर दिया। दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि अफगानिस्तान के सभी बल्लेबाज घुटने टेक दिए। तो आखिर कैसे रवि बिश्नोई, अक्षय पटेल की फिरकी के बाद शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाज, और कैसे अक्षय पटेल ने भारतीय टीम को कराई है इस मैच में शानदार वापसी। कैसे अफगानिस्तान के सभी बल्लेबाज पवेलियन लौट कर बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, और कैसे होलकर का मैदान बना है भारतीय टीम के नाम, यह सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे हाईलाइट में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अक्षय पटेल और रवि बिश्नोई में कौन है सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों मोहाली के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में फतह करने के बाद यह कारवा दूसरे टी20 मैच के लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम पहुंचा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद निर्णायक मैच था। इस मुकाबले में एक बार फिर रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पिछले मैच की तरह इस बार भी रहमान उल्लाह गुरबाज के साथ कप्तान इब्राहिम जादरान उतरे। वहीं टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी करने पहला ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए। शुरुआत की लगातार दो गेंदों पर अर्शदीप सिंह ने वाइड फेंक दी और टीम अफगानिस्तान का खाता खुल गया। इसके बाद अब अर्शदीप सिंह ने अटैकिंग बल्लेबाजी करने की कोशिश की तो पहली गेंद पर गुरबाज ने शानदार चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया। अफगानिस्तान के ओपनर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। गुरबाज ने चौका लगाकर अपना खाता खोला और ये बल्लेबाज लगातार अपनी टीम के लिए अच्छे अच्छे शॉट लगा रहा था। चौथी गेंद पर अटैकिंग शॉट खेलने की पूरी कोशिश की, गुरबाज ने उस गेंद पर दो रन बटोर लिए और इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के लिए पहले ही ओवर में 9 रन बना लिए। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए मुकेश कुमार की पहली गेंद पर रहमान उल्लाह गुरबाज ने मुकेश कुमार को एम्पायर के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर स्वागत किया। दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर इब्राहिम जादरान को बैटिंग करने का मौका दिया, लेकिन मुकेश कुमार की खतरनाक गेंद इब्राहिम को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो तीसरी गेंद पर LBW होने से बच गया, चौथी गेंद उनको समझ में नहीं आई, लेकिन पांचवी गेंद पर इब्राहिम ने करारा शॉट लगाते हुए एक चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान हो गए। अचानक बड़ा डिसीजन लेते हुए रोहित शर्मा ने तीसरा ओवर फेंकने के लिए अपने बेहतरीन खपिरकी के गेंदबाज रवि बिश्नोई को गेंद थमाई और रवि बिश्नोई ने रोहित शर्मा की उम्मीद पर खड़े उतरते हुए तीसरी ही गेंद पर रहमान उल्लाह गुरबाज को शिवम दुबे के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलिंग का रास्ता दिखा दिया। अफगानिस्तान टीम को 20 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रवि बिश्नोई ने शानदार टीम इंडिया की वापसी मैच में करा दी और केवल उन्होंने इस ओवर में 2 रन देकर विकेट झटक लिए। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने मुकेश कुमार के दूसरी और तीसरी गेंद पर गुलबदीन नाइब ने 2 शानदार चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अफगानिस्तान टीम का स्कोर 4 ओवर में ही 32 रन बन चुका था और ये दोनों बल्लेबाज भी शानदार बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए कर रहे थे। भारतीय टीम रनों पर लगाम नहीं लगा पा रही थी। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकना है। रोहित शर्मा के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर गुलबदीन ने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौका जड़ा और केवल 3 गेंद में 14 रन बटोर लिए। देखते ही देखते इस ओवर से 18 रन आ गए। अफगानिस्तान टीम का स्कोर 5 ओवर में 50 रन बन गया। गुलबदीन भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षय पटेल के हाथ में थमाई और उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के भरोसे पर खड़े उतरते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर इब्राहिम जादरान को क्लीन बोल्ड कर पवेलिंग का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। भारतीय टीम को पावर प्ले के अंतिम ओवर में 1 विकेट मिल गया, जिसके कारण टीम इंडिया मैच में वापसी करते हुए नजर आने लगी। अक्षय पटेल का दिलाया हुआ यह विकेट टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। गुलबदीन का साथ देने मैदान पर अजमतुल्लाह उमरजाई आए। अक्षय पटेल की अंतिम गेंद पर गुलबदीन ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 58 रनों तक पहुंचा दिया। साथ में गुलबदीन धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए अपने सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी और पहले मैच के हीरो रहे शिवम दुबे को गेंद थमाई और शिवम दुबे शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अजमतुल्लाह को उनकी गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। अपनी खतरनाक चौथी गेंद पर अजमतुल्लाह को क्लीन बोल्ड कर पवेलिंग का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया। अब टीम इंडिया दूसरी तरह से इस मैच में अफगानिस्तान पर हावी हो गई। अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। अफगानिस्तान 8 ओवर में 63 रन के नुकसान पर बना चुकी थी। भारतीय गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। गुलबदीन भारतीय गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार कर रहे थे और उनके साथ मैदान पर मोहम्मद नबी दे रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम के सामने बड़ी आसानी से दूसरे टी20 मैच में भी 160 से 170 रनों का लक्ष्य मिल सकता है। भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के बाद आया अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में रवि बिश्नोई ने बाकी गेंदबाजों के साथ मिलकर मैदान पर तहलका मचाया तो वहीं पलटवार करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी पारी खेली जिसके चलते मैच का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो आखिरकार कैसे रवि बिश्नोई अक्षय पटेल की शानदार गेंदबाजी के बाद अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैच को रोमांचक बनाया तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट की वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई में कौन है भारत का सबसे खतरनाक टी20 गेंदबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मैच आज इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए अफगानिस्तान की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम के अंदर 2 बदलाव देखने को मिले, जहां शुभमन गिल और तिलक वर्मा की जगह पर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की टीम के अंदर एंट्री हो गई। वहीं अफगानिस्तान की टीम की तरफ से रहमत शाह की जगह पर नूर अहमद को टीम में शामिल किया गया। तो वहीं जब मैच प्रारंभ हुआ तो अफगानिस्तान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान इब्राहिम और रहमतुल्लाह गुरबाज मैदान पर आए। वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अर्शदीप सिंह आए, जिन्होंने लगातार दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए मैच की शुरुआत की। इस दौरान लगातार 2 गेंद पर 2 वाइड गेंद डालकर विरोधी टीम ने अपना खाता खोला और इस दौरान जैसे ही पहली गेंद सही तरीके से डाली गई तो उस पर बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला और बता दिया कि आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी इनसे देखने को मिलने वाली है। हालांकि इसके बाद गेंदबाज ने काफी ज्यादा शानदार वापसी करते हुए आगे एक भी बाउंड्री नहीं दी और ओवर में बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 3 रन दिए और इसी के साथ पावर प्ले के पहले ओवर के अंदर 9 रन भारतीय टीम ने विरोधी टीम को दे दिए। हालांकि अब दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आए, जिनके सामने पहली गेंद पर बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज ने अपना असली रूप दिखाते हुए जबरदस्त छक्का लगाया।
और इस मैच के साथ अपना पहला छक्का लगा दिया। वहीं जैसे ही मुकेश कुमार ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आए तो उन्होंने सभी को प्रभावित कर दिया। इस दौरान मुकेश कुमार ने विरोधी टीम के कप्तान इब्राहिम को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराने की अपील की। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन भारतीय टीम जोश के चलते कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली के कहने पर डीआरएस का इस्तेमाल किया, जिस पर पता चला कि बल्ले से कोई भी किनारा नहीं लगा है और गेंद का संपर्क पेड़ से हुआ है, जिसके चलते एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन अंपायर्स कॉल होने के कारण बल्लेबाज को जीवनदान मिल गया और भारतीय टीम ने भी अपना एक रिव्यू लगभग बचाया। लेकिन